नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। ये दोनों ही सीटें काफ़ी अहम हैं और इन दोनों सीटों से आने वाली राजनीति का भी भविष्य जो है वो तय हो जाएगा कि 24 में जनता का जो मूड है वो आखिर किस तरफ जा रहा है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या 24 में भी यही मुद्दे रहेंगे या फिर केंद्र के कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता आने वाले 24 के चुनाव में वोट करेगी। और राजनीतिक दलों को भी लगभग ये पता चल जाएगा कि अब आगे उन्हें किस तरह की तैयारी करनी है। फिलहाल ये दोनों ही सीटें बहुत ही अहम, बहुत ही प्रमुख हैं। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी अहम सीटें रही हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाती रही हैं। अखिलेश यादव 2019 में इस सीट से जीत करके सांसद बने थे, जो कि आजमगढ़ की सीट थी, और दूसरी सीट रामपुर की, जहाँ से आजम खान जीत करके सांसद बने थे। दोनों ही ने अपनी सांसदी विधानसभा चुनाव के बाद छोड़ी है। दोनों सीटें खाली हैं और इन दोनों सीटों पर एक घमासान जो है वो चल रहा था और कल उस घमासान के लिए वोटिंग होनी है। अहम चीज ये है कि इन दोनों सीटों पर जो राजनीतिक पारा है वो इस कदर गर्म है कि लगातार हम आप और चौराहों से लेकर के गली नुक्कड़ हर जगह पर ये चर्चा हो रही है कि इस सीट पर कौन कितना भारी है। सबके अपने अलग अलग तर्क हैं। कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी आसानी से इस सीट को जीत जाएगी। सपा के नेता, सपा के गठबंधन के नेता इस बात को कहते हुए बड़े ही संतुष्ट दिख रहे हैं कि इस सीट पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, दोनों ही सीटों पर, आजमगढ़ और रामपुर पे, क्योंकि रामपुर में आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं और लगातार आजम खान अब राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि अब हम अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के सरकार के सामने खड़े रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और इस सीट को जीत करके ये बता देंगे कि रामपुर में आज भी आजम खान का नाम सबसे ऊपर चलता है। दूसरी सीट आजमगढ़ की, जहां से दिनेश लाल यादव प्रत्याशी हैं, जो कि अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे और 2019 में वो जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन इस बार फिर से वो समाजवादी पार्टी के परिवार के ही एक सदस्य धर्मेंद्र यादव, जो कि पहले बदायूं के सांसद रह चुके हैं, उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही यादव कैंडिडेट्स इस सीट पर काफी माहौल बनाए हुए हैं, लेकिन एक तीसरा कैंडिडेट बसपा का शाह गुड्डू जमाली भी इस सीट पर काफी अच्छी पकड़ के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कल इन सभी कैंडिडेट्स का जो किस्मत का फैसला है वो बैलेट बॉक्स में, ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। ये पता चल जाएगा 26 तारीख को कि आखिर किसने बाजी मार ली है। लेकिन इन सबके बीच में ये भी समझना और जान लेना जरूरी है कि आखिर यहाँ पर फाइट इतनी टफ क्यों है, क्योंकि पहले अगर हम देखें 2019 में जब आजमगढ़ की इस सीट से अखिलेश यादव जीत करके आए थे तो उस दौरान बसपा का सपोर्ट भी समाजवादी पार्टी के साथ था। दोनों ही गठबंधन में रह करके चुनाव लड़े थे। अखिलेश यादव को बसपा का भी वोट मिला था आजमगढ़ में, लेकिन इस बार बसपा ने वहां से अपने कैंडिडेट को उतारा है और कैंडिडेट भी मजबूत है, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। कई बार उन्होंने राजनीति में खुद को इस तरह सक्रिय होते हुए दिखाया है, कई बड़े मार्जिन से उन्होंने वोट भी हासिल किए हैं और यहां से ये साफ साबित होता है कि अगर बसपा का ये कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ता है तो ये बीजेपी के वोटर या फिर बीजेपी के कैंडिडेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये नुकसान पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो इसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रही है, क्या नहीं रही है, और अब आने वाले जो वोटिंग है और वोटिंग के बाद जो नतीजा है उस पर कहीं ना कहीं सारा जो दारोमदार है वो अब टिका हुआ है कि नतीजे क्या कहते हैं और आगे की रणनीति कैसी होगी। रामपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आजम खान इस सीट से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ी, वो इस वक्त विधायक हैं। लेकिन अगर इस सीट की बात करी जाए तो रामपुर में इस सीट पर बीजेपी ने भी कई बार जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी ने भी जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार यहाँ पर जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार वो इस सीट पर काफ़ी अहम सक्रियता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंडिडेट का अनाउंसमेंट तक आजम खान ने ही किया है और ये लगभग लग रहा है कि आजम खान इस सीट को जीतने में पूरी एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगा देंगे। ये मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक और अहम मुद्दा है कि अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। ये याचिका थी उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ। दरअसल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, हिंसा या फिर दंगाइयों के खिलाफ ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, और सबसे अहम कार्रवाई कानपुर और प्रयागराज जो भी बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद हुई थी, उस पर एक जो याचिका थी वो याचिका डाली गई थी
जमियते उल हिंद की तरफ से, और इस याचिका में साफ तौर पर इस चीज का जिक्र, इस बात का जिक्र किया गया था कि ये जो कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कार्रवाई करने का तरीका नहीं सही है, और आखिर ये कार्रवाई जो हो रही है ये एक विशेष धर्म के ऊपर क्यों हो रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि सरकार ये बताए कि इन सवालों के जवाब उनके पास क्या है। उसी के एवज में सरकार की तरफ से 63 पन्ने की एक जो हलफनामा है वो दाखिल किया गया है। इसमें 11 पन्ने हलफनामे के हैं और बाकी के पन्नों में अलग अलग चीजें जोड़ करके सबमिट की गई हैं। बताया जा रहा है इसमें जो जावेद पंप है उसके घर के बाहर जो राजनीतिक पार्टी का बोर्ड लगा था उसके भी चित्र हैं, उसने उनके घर पे जो नोटिस चिपकाया गया था उसके बारे में भी जिक्र किया गया है, वो भी उस जो ये हलफनामा सबमिट हुआ है उसमें लगाया गया है, जमा किया गया है, और कुल मिलाकर करके रूपरेखा ये तैयार की गई है। ये कोर्ट में बताने की कोशिश सरकार की तरफ से रही है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये कहीं से भी गलत नहीं है, सरकार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, सरकार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जो हिंसा कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, और ये नियम अनुसार ही हो रहा है, इसमें कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि अब जो सरकार की तरफ से ये हलफनामा सबमिट किया गया है और सरकार ने ये कहा है कि ये कार्रवाइयां इसी तरह से चलती रहेंगी क्योंकि ये भी नियमों के विरुद्ध नहीं है, तो ये साफ साबित हो गया कि आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के जो तरीके हैं उन तरीकों पर जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, तरीके भी वो जिसमें दंगा भड़काने की, हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है, उन पर जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं उन कार्रवाइयों पर ब्रेक नहीं लगेगा। सरकार के हलफनामे में साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया गया है कि ये जो कार्रवाइयां हैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये कार्रवाइयां बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध नहीं है, सारी चीजें नियमों के अनुसार हो रही हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार ये बुलडोजर की कार्रवाइयां भी सरकार की तरफ से की जा रही हैं। तो इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी विषय से जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एक बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया और कहा है कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं ये सिर्फ एक विशेष धर्म के ऊपर ही सरकार की तरफ से क्यों की जा रही हैं। तो ये बयान क्यों दिया गया, क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक विशेष धर्म के ऊपर ही ये कार्रवाई हो रही है, ये भी चर्चा का विषय है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। मुसलमानों के साथ जितना जुल्म हुआ है तो बहरहाल ये देखना चाहिए, मुसलमानों के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको के न सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान, सारी दुनिया का मुसलमान अपनी जान से प्यारा मानता है, उनको वो अपनी जान दे सकता है लेकिन वो नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करने देगा, इजाजत नहीं है इस बात की। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी क्यों बेहतर, हमारी मांग है कि ये इतना बड़ा काम हुआ है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन इसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट बोलती नहीं और कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। फिलहाल इतने बड़े मुजरिम को जिससे कि सारी दुनिया हिल गई तो उस मुजरिम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए गवर्नमेंट तैयार क्यों नहीं है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नितिन सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, संतोष यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं और विजय दुबे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया है हलफनामा देकर के कि जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं ये नियम अनुसार ही हो रही हैं, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, 63 पन्नों का हलफनामा जो है वो कोर्ट में सबमिट किया गया है और उसमें कई चीज़ों का जिक्र और किया गया और सरकार की तरफ से साफ तौर पर बता दिया गया है कि आगे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो चलती रहेंगी अगर इस तरह के उपद्रवी शांत नहीं हुए तो। दूसरी चीज़, ये पहला सवाल था मेरा, दूसरा सवाल ये है कल वोटिंग है उन दो सीटों पर जो कि आप लोगों के लिए काफी अहम रही हैं, उन दो सीटों का समीकरण क्या कहता है, क्या आपको लगता है कि इन सीटों पर आप जीत जाएंगे, कॉन्फिडेंस है
ओवर कॉन्फिडेंस है और अखिलेश यादव इन सीटों से अभी तक प्रचार करने नहीं गए थे, हालांकि अब तो प्रचार खत्म हो गया, कल वोटिंग होनी है, तो अखिलेश यादव ने क्यों दूरी बनाई थी, क्या कोई अलग रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई गई है? सरकार के हमेशा झूठ बोलते हैं। दो तरीके के मामले होते हैं, एक वो जो अवैध अतिक्रमण होता है, तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ हो, किसी ग्राम समाज की जमीन पर है, नगर निगम की है, विकास प्राधिकरण की जमीनों पर जो अतिक्रमण हो जाता है, जिसका कोई टाइटल नहीं होता है, कोई माफिया है, कोई इस तरीके का व्यक्ति है, इस पर तो तत्काल कार्रवाई बनती है और तत्काल उनके ऊपर बुलडोजर चला करके या जिस तरीके से उनको बेदखल करके जो सरकारी जमीन है उसको अपने कब्जे में लिया जाना, ये न्याय सरकार। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ जो कार्रवाई है कि कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ आपने FIR लिख दी बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच के, बिना किसी चार्जशीट के, वो मकान उस परिवार उसके व्यक्ति के नाम है, वो उस व्यक्ति के नाम है, उसके किसी परिवार के व्यक्ति के नाम है, उसने किस तरीके से उसकी गाड़ी कमाई से अर्जित किया गया है, और आपने उस परिवार के किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा और उसमें कई ऐसी घटनाएं आई हैं कि वो कोई व्यक्ति है, अब उसकी माँ के नाम से मकान है जो पुश्तैनी है, उसके पिता ने बनाकर खड़ा किया था, या उसकी पत्नी के कोई अपने रिसोर्सेज है जिससे उसने बनाकर खड़ा, या संयुक्त परिवार है, और उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला आया, पंजीकृत हुआ, और तत्काल सरकारी लोग बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त कर देते हैं बिना किसी ट्रायल के, यानी कि सरकार ही कानून हो जाती है, सरकारी जुडिशरी। तो ये हलफनामे में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, सब नियम अनुसार है? नितिन जी, मैंने इसीलिए कहा कि ये सरकार झूठी है, पहली लाइन में मैंने सब कहा ये झूठ बोलते हैं, ये वहाँ जाकर के इस तरीके के हलफनामा दे करके आते हैं और सब ये सब कुछ अपने को पाक साफ बताने का काम कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे केस आए हैं और इसका मैं आज बता दूं, आज सरकार अपने दम में है, लेकिन जब ये मुकदमे ट्रायल होंगे और जब केस छूटेंगे और इसके बाद में जब इस तरीके की चीजें आएंगी तो सरकार को तो क्या होगा, लेकिन तत्कालीन अधिकारी है जो आज उसको नाम से पार्टी होंगे और बाद में ये लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, अधिकारी आज जोश में जरूर है और सरकार के कहने पर जोश में ले जाकर के जब बुलडोजर चला देता है, लेकिन जब इस मामलों के फैसले होंगे तब लोग निर्दोष छूट जाएंगे और इसके बाद जब इनसे जवाब मांगा जाएगा कि किसी दूसरे की निजी प्रॉपर्टी थी, आपने किस भी आप पर इसको छोड़ दिया, उसको कंपनसेट कौन करेगा, उसको मुआवजा कौन देगा, तो निश्चित रूप से ये अधिकारी भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे और उस समय इनके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि दो तरीके के मामले हैं, हाँ, जो अवैध निर्माण है सरकारी जमीनों पर है, जो किसी नगर निगम ग्राम सभा या प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है उसको अगर किसी माफिया ने कब्जा कर लिया है उसको तो तत्काल हटाया जाना न्याय संगत है, लेकिन किसी के ऊपर जैसे भी एक घटना आई। अच्छा, एक चीज और है नितिन जी, एक चीज और है, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। एक व्यक्ति अभी जो घटना आपके प्रकाश में आप सब लोगों ने भी देखा होगा, एक व्यक्ति PHU में बनारस के अंदर मौजूद है, वहाँ खाना खा रहा है और उसी टाइम पर उसके खिलाफ अलीगढ़ में एक मुकदमा लिख दिया जाता है और उसको जेल भेज देने का काम किया जाता है। इस तरीके की जो घटनाएं, मतलब जैन साहब अंधेर गर्दी मचा रखे हैं। निश्चित रूप से जैन साहब तो राजपूत है, जिसकी सत्ता होती है उसके साथ चले जाते हैं, कभी समाजवादी हो जाते हैं, कभी भाजपाई हो जाते हैं, जैन साहब को तो राजपूत है, इनके लिए क्या कहना। ठीक ठीक ठीक, मैं जवाब लेता हूँ। जैन साहब, क्यों भाई इतनी अंधेर गर्दी क्यों मचा रखी है? नितिन जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ मामलों में कार्रवाई समझ आती है, लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल एकदम अत मचा रखा है और इनके सांसद ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर आप लोग जानबूझकर कार्रवाइयां कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग के ऊपर। देखिए नितिन जी, यही तो बात है कि समाजवादी पार्टी हर एक मुद्दे को कहीं ना कहीं जाति वर्ग संप्रदाय की तरफ ये मोड़ देना चाह रहे हैं और उसके बाद में आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जब भी बुलडोजर इसके पहले जब भी अपराधियों पे चला तो किसी को इन्होंने बता दिया मुस्लिम है, किसी को बता दिया कि ये जो है ब्राह्मण है, किसी को किसी जात का बता दिया। तो समाजवादी पार्टी पहले निश्चित कर ले और एक हलफनामा वो भी दे दे सरकार को कि आपको किस जात पे कार्रवाई करनी है, किस जात पे कार्रवाई नहीं करनी। भारतीय जनता पार्टी तो बिना भेदभाव के लोगों को लाभ भी देती है सरकारी योजनाओं का, और अगर कोई अपराधी है तो बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो ये हर चीज में
जाति और धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, मतलब ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क जी का, अभी इसके पहले भी बयान आया था कि जो है ये पत्थरबाज नहीं, ये आप पत्थर लेने पे मजबूर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? सरकार ने कार्रवाई की, अगर किसी का बयान आया तो सरकार ने, पार्टी ने भी कार्रवाई की, उनको पार्टी से डिस्चार्ज किया। सरकार का काम था मुकदमा दर्ज करना, सरकार ने मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की। फिर क्या इस पत्थरबाजी से, सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति की तोड़फोड़ करने से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाने से, बसों को जलाने से क्या समस्या का निदान हो जाएगा? क्या इससे तो नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये कि जो ये कह रहे हैं वर्ग विशेष पे कार्रवाई हो रही, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही, अरे 5000 लोग नामजद हुए और 5000 लोग गैर नामजद हैं, कुल मिलाकर के देखा जाए 10000 लोग जो है FIR में जो नामांकित, वो 10000 लोग हैं। क्या 10000 लोगों के मकान गिरा दिए गए? वास्तव में जो मकान गिराए गए हैं या जो बुलडोजर चला है, जो संपत्तियां जब्त हुई है वो अवैध संपत्तियों पे हो रही है। लेकिन क्या है कि ऐसे अपराधी उभर करके सामने ऐसी घटनाओं में ही आते हैं, तब पता चलता है कि जब इनकी कुंडली खंगाली जाती है, पता चलता है इनके पास तो करोड़ों रुपए की संपत्ति है और सारी की सारी अवैध तरीके से अर्जित की गई है। तो उनमें से जो अवैध संपत्तियां है उसमें कोई भी रह रहा हो, उनका बेटा रह रहा हो, बहन रह रही हो, पिता रह रहा हो, और किसी को रहते हुए बुलडोजर नहीं चलाया गया, सारे घर का सामान निकालने का पूरा अवसर दिया गया, और जितना भाग जो जो मकान का भाग जो एक तरीके से कब्जा करके बनाया गया था उसको जो है हटाया गया और पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई करते हुए हटाया गया। इनके पास नोटिंग और जिनकी बात ये लोग कर रहे हैं, ये पंप के ऊपर जो है, क्या नाम इनका, जावेद पंप, क्या नाम है जी जी, तो इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, इनको नोटिस पहले भी दिया जा चुका है और उस नोटिस का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, उसके बाद भी इनके ऊपर ये कार्रवाई हुई। ये बात अलग है कि दोनों घटनाएं एक साथ मेल खा गई, ये इत्तेफाक से कहिए या जो भी कहिए, तो क्या है कि उधर नोटिस की भी समाप्ति। इमरान लतीफ हंस रहे हैं जब आपने इत्तेफाक की बात कही। इसलिए उनकी संपत्तियां जो अवैध संपत्तियां हैं उस पे बुलडोजर चला है, जो वैध संपत्तियां आई है उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चला है। अच्छा, एक सवाल, बुलडोजर चला नहीं चला। ठीक ठीक जैन साहब, एक सवाल। पहली चीज तो ये कि जब आप ये इत्तेफाक वाली बात कर रहे थे तो इमरान लतीफ हंस रहे थे। दूसरी चीज ये है कि कल वोटिंग होनी है दो अहम सीटों पर, क्या लगता है कितना ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस है कि जीत जाएंगे? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी दोनों की दोनों सीटें जीतने जा रही है। ये जो है समाजवादी पार्टी से नाम जो आ रहा था पहले आजमगढ़ से, वो डिंपल जी का नाम आ रहा था। डिंपल जी का नाम ना करके इन्होंने धर्मेंद्र यादव जी का नाम लिया। धर्मेंद्र यादव जी अपनी सीट दो दो बार खुद ही हार चुके हैं बदायूं से, फिर वो बाहर के कैंडिडेट यहाँ पे माने जा रहे हैं। और जहाँ पे दिनेश यादव निरहुआ की बात है तो वो अपनी जो है वहाँ की भोजपुरी भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं और वहाँ के कलाकार हैं। कलाकार के साथ साथ जनता के बीच में उनका बहुत लगाव है और पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी वहां प्रत्याशी बदल रही है। वो इसके पहले भी लड़े हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं। और एक बड़ी बात, पिछली बार BSP ने प्रत्याशी नहीं दिया था और उसके साथ गठबंधन भी था, इस बार BSP ने भी प्रत्याशी दिया है। तो ऐसे में जिस प्रकार से वो जो है मुस्लिम समाज के कैंडिडेट है, और ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो एक वोटर है वो मुस्लिम वर्ग भी है, तो मुस्लिम वर्ग तो उनको वोट देने से रहा समाजवादी पार्टी को, धर्मेंद्र यादव जी को। तो अगर वोटों का समीकरण देखें तो कहीं ना कहीं बढ़त में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश यादव निरहुआ दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ आप आ जाओ इसमें, रामपुर में जाइए, रामपुर में जो लोधी जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। तो समाजवादी पार्टी के जो इनका व्यक्तिगत संबंध है वो तो इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण कर्मठता के साथ इनको लड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इनको मिलेगा। और एक चीज और नितिन जी, कि आखिर तंजीम फातिमा चुनाव क्यों नहीं लड़ी वहां से, आजमगढ़ रामपुर से? और ये चलिए विधायक हो गए, नहीं लड़ना चाहते अभी जैसे, अरे नहीं लड़ी आपको से क्या, अब आप कहोगे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए प्रचार करने, ये आपसे क्या लेना? अखिलेश यादव प्रचार करने क्यों नहीं गए, ये भी सवाल है। आप जो कह रहे हैं अभी आप पूछेंगे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो प्रचार करने क्यों नहीं गए, इसी डर से नहीं गए कि एक धब्बा ना लगे कि वो प्रचार करने गए तब भी आ जाए। अब एक बचाव की एक से एक से अपने आप को सेव करने के लिए एक विकल्प पहले से निकाल लिया कि हम प्रचार करने जाते तो जीत जाते। ठीक, मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब, ठीक है जैन साहब, ठीक है, हार गई पार्टी। ठीक है, इमरान लतीफ के पास चलेंगे। इमरान, जैन साहब कुछ बोल रहे थे तो आप हंस क्यों रहे थे?
देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो किस तरीके से कितनी शालीनता के साथ, कितनी सादगी के साथ सफ़ेद झूठ बोलने का काम करते हैं। कहीं 1 रुपये 10 पैसे में बिजली मिलने लगती है देश के अंदर, कहीं पर 15 लाख रुपए आने लगते हैं, और अभी हमारे मित्र केसी जैन साहब भी उसी तरीके की बात कर रहे थे। तो हंसी आना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग मजाक ही करते हैं। इन्होंने कोर्ट में भी जो एफिडेविट दी है वो भी मजाक ही है। आप बताइए कि जिस तरह का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस तरह का माहौल पूरे देश और अरे प्रदेश के अंदर चुनाव बनाने की नेता ने कोशिश की जवाब जाए। दे दिया है ठीक है, अरे एक जैन एक साहब, पहले राउंड में नहीं, पहले जैन राउंड साहब, में जैन साहब भी दूसरे राउंड में हम लोग जैन जम साहब के पहले करेंगे। राउंड में अभी नहीं, दूसरे चुनाव पहले आप राउंड भी में नहीं लड़े हैं जीते। पंजाब में, ऐसा नहीं कि आप नहीं लड़े थे पंजाब में। तो पूरा देखने वाली बात यह है कि मैं एक लाइन की बात करता हूँ, सीधी सीधी बात। अभी जावेद पंप का ही जिक्र हो रहा था इस पूरे मामले में। वो मकान जो है जावेद पंप की पत्नी के नाम से था। जावेद पंप की पत्नी का क्या दोष था, ना तो जैन साहब बता पाएंगे, ना तो प्रयागराज का एडमिनिस्ट्रेशन बता पाएगा, ना ये कोर्ट में उस बात का जवाब दे पाएंगे। कुल अभी पैसा कहाँ से लाती है, कौन सा जैन व्यापार साहब, जैन साहब करती अभी है? प्लीज जैन साहब जैन सुन लीजिए, साहब अभी ऐसे ना, अभी अभी सुन बात लीजिए, मैं करेंगे, आऊंगा बात आपके हम पास लोग आऊंगा। इसमें मैं बहुत मुझे महारत हासिल हो गई आप लोगों के साथ लड़ते लड़ते। तो उस मामले में देखिए, तो उनकी पत्नी के नाम से मकान था, वो गिफ्टेड मकान था, जो उनके वालिद साहब ने उनको गिफ्ट किया था, उनके पिताजी ने गिफ्ट किया था, वो मकान गिरा दिया गया जावेद पंप ने, उनका जो भी दोष रहा हो, जो भी मामला रहा हो, लेकिन उस मामले के नाते इनका मकान गिराया गया, ये बिल्कुल अस्पष्ट है। कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर बात करें, किसी एक छोटे से बच्चे से पूछिए देश के अंदर, कि नफरत की राजनीति से फायदा किसका होता है, सांप्रदायिकता की राजनीति से फायदा किसका होता है, दंगा फैलाने से किस राजनीतिक पार्टी को लाभ मिलता है, बलबा करने से किस राजनीतिक पार्टी को लाभ मिलता है, समाज में खाई पैदा करने से किस राजनीतिक पार्टी को लाभ मिलता है, तो बच्चा बच्चा इस देश के अंदर आपको बताएगा कि नफरत के नाम पर अगर कोई राजनीति करती है कोई पार्टी, और नफरत से अगर किसी राजनीतिक पार्टी का फायदा होता है, तो वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि इनकी इनकी राजनीति ही नफरत के इर्द गिर्द घूमती है, इनकी राजनीति ही दंगे बलवे हिंसा के इर्द गिर्द घूमती है। हमेशा अगर आप देखेंगे उठाकर, तो नफरत फैलाने वाले बयान इनके नेताओं की तरफ से आएंगे। एक लंबी फेहरिस्त है। आज नूपुर शर्मा पे जब इंटरनेशनल प्रेशर बना, तो इनको बैकफुट पे जाना पड़ा, लेकिन गिरिराज सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कपिल मिश्रा पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ऐसे जो है, जो बातवीर हैं, जो बड़बोले नेता हैं, जो हमेशा नफरत फैलाने की बात करते हैं, ये उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि इनका ये जो इस जो बुलडोजर लेकर आते हैं, उसकी भी आंखें जो होती हैं नफरती होती हैं। ये जितनी कार्रवाई करते हैं, ये विद्वेष की भावना से होती है, ये भेदभावपूर्ण होती है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश होती है, और उसी के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश लगातार इनके द्वारा की जाती है। इस मामले में भी साफ साफ ये बात दिख रही है, और ये जितनी चीजें बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, समय आने दीजिए, इनका एक एक झूठ कोर्ट के अंदर साफ साफ पकड़ा जाएगा, और जो अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं इनके दबाव में आकर, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होंगे। समय का इंतजार कीजिए, समय अब आने पे न्याय मिलेगा सबको। ठीक है, संतोष यादव जी हमारे साथ दिल्ली से। संतोष जी, कोर्ट में हलफनामा जो पेश किया गया, आपको भी पता चल गया होगा क्या है वो, कैसे है, और किस चीज को लेकर के। जैन साहब ने काफी चीजें बताई हैं कि सारी चीजें तरीके से ही हो रही हैं, क्या काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जैन साहब, प्लीज जैन साहब, जैन साहब आऊंगा, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सबकी सुन लीजिए, सबकी सुन लीजिए, मैं आऊंगा। हाँ संतोष जी, जैन साहब भाई, सबको सुन लो, सरकार में हैं आप, आपको पावर है इस समय, ये बात ठीक है, लेकिन आप अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि जो शासन प्रशासन होगा वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शासन स्थापित करती है उसमें कल्याण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो बुलडोजर की बात चलती है, इससे किसका कल्याण होता है? जिसका घर गिरता है ना उसका कल्याण होता है, जो गिराने जाता है ना उसका कल्याण होता है। सीधे सीधे कानून में, जमींदारू एवं नेशन एक्ट में प्रोविजन किया गया धारा 115D में, कि जब भी कभी किसी आदमी की अवैध अगर मकान बना हुआ है, तो सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस का वो जवाब देगा, कोर्ट उसको तय करेगी कि मकान गिरेगा कि नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में भी ये बात कही गई है, लेकिन आप विदाउट नोटिस, विदाउट कोर्ट के आर्डर, सीधे किसी के दरवाजे पे बुलडोजर खड़ा कर देते हैं। मैं तो कहता हूं कि उस बुलडोजर के चलाने से सरकारी खर्चा बचाने के लिए आप कुछ ऐसा काम करिए कि अगर आपको लगता है कि अवैध है, तो उसको आप नीलाम करिए, उसको आप जब्त करिए,
उसकी कोई व्यवस्था बनाइए, आप बहुमत की सरकार में कोई कानून बनाइए। गिराने से आपको क्या लाभ मिल जाता है, जो मकान गिर जाता है उससे आपको क्या लाभ मिलता है। लेकिन आपकी चूंकि मंशा है कि लोगों को प्रताड़ित करना, एक कानून से आप प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, आप बुलडोजर से प्रताड़ित कर रहे हैं। किसानों को आपने इस तरीके का कानून दिया जिससे 700 किसान हमारा शहीद हो गया आपकी गलत नीतियों की वजह से, लास्ट में आपको वो कानून वापस लेना पड़ा। तो मेरा कहना है कि लाल फीताशाही सरकार जो पुलिस के बल पे चल रही है, पुलिस के दबाव में आप सरकार चलाना चाहते हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और आपकी जितनी भी योजनाएं हुई हैं, चाहे वो नोटबंदी की योजना हो, वो फेल हो गई। आप जो ये अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, योजना आप सोचिए कि सेना एक बहुत बड़ा तमका है, लेकिन उसको आपने योजना में तब्दील कर दिया। जिस तरीके से मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, उस तरीके से आपने अग्निवीर योजना खड़ा कर दिया। मतलब वो आप सैनिक नहीं रहेगा, शहादत उसकी नहीं रहेगी, उसका तमका नहीं रहेगा, आपने उसको योजना में तब्दील कर दिया। तो मेरा ये कहना, आप कल्याणकारी काम ये तो कह रहे हैं सेना को एक नए जज्बे से जोड़ना है। जज्बे नहीं, योजना, आप उसका नाम सुनिए ना। हाँ। मनरेगा एक योजना है और जवाहर रोजगार एक योजना है, अग्निवीर भी एक योजना है। मतलब वो सैनिक की शहादत का फायदा नहीं मिलेगा, उसको सैनिक का तमका नहीं मिलेगा, उसको जो भी है 4 साल के बाद आप उसको एक योजना में डाल के बाहर कर देंगे। मनरेगा में 100 दिन काम मिलता है, उसको 4 साल काम मिल जाएगा। तो ये जो काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं आपकी बहुमत की सरकार है, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप कल्याणकारी योजनाएं लाइए, जनता को कुछ लाभ मिले उससे, लेकिन आप तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जनता को मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है आपको। ठीक है, विजय दुबे जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विजय जी, दो चीजें हैं। पहला तो ये कि कल 2 सीटों पर वोटिंग होनी है, दोनों ही अहम सीटें समाजवादी पार्टी के लिए रही हैं, लड़ाई कौन जीत रहा है ये भी जानना चाहूंगा आपसे, सब जानना चाहेंगे। और दूसरी चीज, ये जो हलफनामा आया है बुलडोजर को लेकर के, इससे साफ साबित हो गया कि आगे भी बुलडोजर चलता रहे, क्या? देखिए, बुलडोजर का हलफनामा आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और वो जमीयत की एक याचिका थी उसके अगेंस्ट में। तो जमीयत ने जो मुद्दा उठाया था, आपको थोड़े समय पीछे याद होगा कि जमीयत ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, और कॉन्फ्रेंस में उन सारे मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश की थी जो मुस्लिम समाज आज फेस कर रहा है, और सरकारों की ओर से जो कार्रवाइयां हैं उसमें बुलडोजर वाला मुद्दा था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। तो आज जो ये जो हलफनामा सरकार ने दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और इस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। हलफनामा तो दिया गया है, सरकार को अपनी पक्ष रखने का या उसको एक समय सीमा दी गई है, उसने अपना पक्ष रखा है। हलफनामा सरकार का है, वो पार्टी का नहीं है, वो मुख्यमंत्री का नहीं है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से दिया गया है। और उस हलफनामे में जो भी बातें कही गई हैं और जिसकी ओर से दिया गया है, होम डिपार्टमेंट के गृह विभाग के सचिव शायद राकेश कुमार है, उनकी ओर से दिया गया है ये, और इसकी सारी जिम्मेदारी वो जो व्यक्ति जो उस हलफनामे को एड्रेस कर रहा है, दे रहा है साइन करके, ये उसकी होगी। और उसको कोर्ट अगर उसमें कोई गलत बातें कहता है वो, तो कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। और कई सारे नजीरे हैं, खैर अदालतों की इन मामलों में, कि आप जो भी बातें कह रहे हैं सरकार की ओर से, और कई बार कई आईएएस को कोर्ट ने पनिशमेंट भी दे दिया और कहा कि साहब आप कटघरे में खड़ा रहेंगे इतने समय तक के लिए। तो ये सब चीजें चलती रही हैं, लेकिन अदालत की मामला है ये, जो भी बात कही जा रही है आज वो कानूनी तौर पर कही जा रही है, अदालत को एड्रेस की जा रही है। पब्लिक के बीच में जो बातें होती हैं वो इतर होती हैं, फाइलों में भी जो बातें होती हैं उसमें भी काफी कुछ जो है सरकार अपने हिसाब से मैनेज करती है, लेकिन जो अदालत ने एक बार हलफनामा दे दिया उन्होंने, उसको वो बाद में मैनेज नहीं कर सकते। तो ये फर्क है दोनों चीजों का। फिलहाल बुलडोजर जो है, चूंकि बीजेपी का एक आइकॉन मैं कहूं, और उसको उन्होंने आइकॉन के रूप में हमेशा रखने की कोशिश की है, खासतौर पर योगी सरकार, तो अभी जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हैं अभी भी शायद लगता है कि 24 के चुनाव की तैयारी जो है उस बुलडोजर को आगे रख के ही सरकार कर रही है। और देखिए, कुछ चीजें हैं, मैं जरूर कहूंगा कि ये देश जो है वो कानून के हिसाब से चलता है, और चाहे सरकार अपनी कार्रवाई करेगी वो भी एक विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको चैलेंज करने का पूरा राइट उस पार्टी को है जिसको कि नुकसान हो रहा है, जो अपोजिशन है। तो अपोजिट पार्टी जो भी है वो उसकी सारी चीजों को अदालत के सामने रख सकती है। एक अभी और सरकार को
मुकदमा फेस करना पड़ रहा है जो कि हाईकोर्ट में है, और इलाहाबाद में जो हिंसा हुई है या जावेद पंप वाली जो बात हो रही थी ये उनकी ओर से किया गया है, और उसमें भी हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। अब देखिए हाईकोर्ट में सरकार क्या कहती है और सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आप दूसरी बात मुझसे पूछ रहे थे कि जो है उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में जो है क्या स्थिति बनने वाली है, तो देखिए उपचुनाव जो होता है आमतौर पे जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो सत्ताधारी दल का उपचुनाव कहा जाता रहा है आज तक, लेकिन अब ये जो तो दो उपचुनाव हैं इनमें क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं और जो स्थितियां हैं वो डिफर है, बिल्कुल बदली हुई है। अब जो आजम साहब हैं उनकी इज्जत पूरी तरह से स्टेक पर है रामपुर में, और जो अखिलेश यादव ने जो सीट खाली की आजमगढ़ की उसमें एक थोड़ा सा पेच जो है गुड्डू जमाली वाला फंस रहा है, अगर गुड्डू जमाली वोट तगड़ा काट देते हैं तो वो नुकसान सपा को कर सकते मतलब रामपुर में नुकसान नहीं है। रामपुर में अभी जो सारा जो स्टेक लगा हुआ है वो है आजम खान का, और आजम खान के साहब के साथ जो है उस इलाके की सिंपैथी चूंकि मुस्लिम वोटर ठीक ठाक है वहां पे, तो मुझे ये लगता है कि वो सिंपैथी जो है गेन सपा को मिलना चाहिए उस एरिया में उस इलाके में, और आजम साहब ने ठीक ठाक सा कैंपेन किया उस एरिया में। मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि आजमगढ़ में कैंपेन कमजोर क्यों हुआ, जिसमें कि ये वहां के लोगों का मैंने कुछ वर्जन सुना था तो उन्होंने कहा साहब कि अखिलेश साहब को आना चाहिए था, अखिलेश यादव जी आते अपनी बात कहते और लोगों को पेसिफाई करते, ठीक है, और पार्टी के सारे लोग उतरे हैं वहां पे और सपा का ठीक ठाक सा मजबूत गढ़ भी माना जाता रहा आजमगढ़, आजमगढ़ जो है उसका इतिहास सपा के लिए बहुत बेहतर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जो चर्चाएं उठी थी बीएसपी ने वो खेल वहां भी किया हुआ है, तो अब ये देखना होगा कि बीएसपी कितना नुकसान सपा को वहां पे, आपने शायद अभी अभी जो ब्रीफ किया था उसमें भी ये बात कही थी कि लोकसभा चुनाव जब लड़ा गया था तो सपा और बसपा साथ थे, तो देखिए ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं वोटर्स को भी इफेक्ट करती हैं, और वोटर जो है उसको आपको सवाल उसके जो भी सवाल उठेंगे उनका जवाब देना होगा, और ये जो आप बीएसपी अलग से जो कैंडिडेट जो गुड्डू जमाली के रूप में वहां पर खड़े हुए हैं उनको वोट कटिंग कितनी होती है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी कई सीटें इसलिए हारी सपा क्योंकि वहां पर पैरेलल कैंडिडेट बीएसपी ने उतारा था उसको नुकसान भुगतना पड़ा उसको, ठीक है ठीक। तो ये जरा सा देखने वाली स्थिति होगी क्या कितना वोट कटिंग होती है और कितना इफेक्टिव होते हैं गुड्डू जमाली, ठीक ठीक। तो वैसे ही चुनाव परिणामों को भी असर करेगा और सामने आएगा, ठीक ठीक। मैं आता हूँ आपके पास नितिन जी, जैन साहब ने आपके सवालों का जवाब दे दिया था बुलडोजर को लेकर के, और एक दूसरा सवाल जो लगातार बन रहा है चुनाव को लेकर के कि अखिलेश यादव नहीं गए, विजय दुबे जी भी इस बात को कह रहे हैं कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे भी इनकी बात हुई थी और उन लोग ने भी साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया कि अखिलेश नहीं आए, आते तो ज्यादा असर पड़ता, तो ये दो सवाल हैं इनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। नितिन देखिए और समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तो बड़े नेता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे आजमगढ़ की जो सीट है वहाँ हमारे अभी पिछले आपने चुनाव में देखा कि 10 के 10 विधायक वहाँ की जनता ने जीत करके समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो सारे पदाधिकारी वहां लगे उन लोगों ने भी अपनी प्रतिष्ठा लगाई कि देखिए ये चुनाव हम लोगों का चुनाव और हम इस चुनाव को जीतने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं तो हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत पर विश्वास करना चाहिए, और वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी के सभी विधायक वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल जी सेन जी प्रदेश के दिसंबर प्रसाद निषाद जी जी सरोज जी ये तमाम सारे चाहे आप हमारे उपकार राजभर जी जी ये सारे वरिष्ठ नेता वहां पर जब मौजूद है तो इस एक सीट के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाना जैन साहब कह रहे थे मैं नहीं कह रहा था ये क्यों नहीं आए, नहीं भाई जब मैंने बताया ना कि जैन साहब की पूरी बात में नहीं आ पा रही थी, जैन साहब तो राजपूत है ना, ये तो जिसकी सत्ता उसके साथ हो जाते हैं पहले समाजवादियों के साथ थे आज भी भाजपा के साथ है, आप तो बोल बोल के पीछे पड़ गए कि क्यों चले गए सत्ता के साथ पता नहीं इनका, तो मूल बात अभी मैं इनसे प्रश्न पूछूं
मोदी जी क्या डर गए थे कि आजमगढ़ जाएंगे उसके बाद चुनाव में हार जाएंगी भारतीय जनता पार्टी, तो मोदी जी की साख पर सवाल उठने लगेंगे, अमित शाह जी की साख पर सवाल उठने लगेंगे, जेपी नड्डा जी की साख पर सवाल उठने लगेंगे। पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी अपने हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, सबको जिम्मेदारी दी गई कि कौन किस बूथ पर रहेगा, कौन विधानसभा का इंचार्ज रहेगा, कौन पूरी पार्लियामेंट का प्रभारी रहेगा, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ताकि प्रचंड बहुमत से दोनों सीटें जीतने जा रही है और कल मतदान है, 26 को रिजल्ट है। ठीक जैन साहब भी देखिए, मैं जवाब ले लूं, जैन साहब से जवाब ले लूं। हाँ जैन साहब क्या कह रहे हैं, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ जी जी नितिन जी, देखिए जैन जी जो कह रहे हैं क्यों चले गए, यही तो मंथन करना है आपको, और अखिलेश यादव जी को मंथन करना है। हाँ। कि शिवपाल यादव जी क्यों छोड़ के चले गए, क्यों पार्टी बना ली। हाँ। अशोक वाजपेयी जी क्यों चले गए, बुक्कल नवाब क्यों चले गए, और तमाम सारे कई बड़े नेता चले गए, जैन साहब की जब आवाज नहीं मिल रही भाई, सही चले गए, वीरेंद्र शेखर जी चले गए, संजय सेठ जी चले गए, तो कितने राम में गिरा हूँ। समाजवादी पार्टी बची ही नहीं है, आधी पार्टी नहीं बची है, यहाँ तक की अपर्णा यादव जी भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो ये आपको अपने गिरेबान में झांकना है कि कितनी कमियां हैं, कमियां नहीं कितनी कमियां हैं, किसी से राय नहीं लेना, किसी की बात नहीं मानना है, वन मैन शो है, हम जो करेंगे वो सारी चीजें सही है, पार्टी गर्त में जाए तो जाए, और शिवपाल जी वापस भी आए उनको आप अपमानित कर रहे हैं, तो जिस पार्टी में हर किसी को आप अपमानित करेंगे वो पार्टी कहाँ बचेगी, वो पार्टी जाहिर सी बात उसमें लोग चले जाएंगे। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि बहुत सारे नेता है, देखिए आपका निर्णय है कि कौन जाता है प्रचार करने, कौन नहीं जाता है, ये बिल्कुल आपका निर्णय है और आपको अपने हिसाब से चुनाव लड़ना है, लेकिन आप अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से जब वहां पूछेंगे, आपके जो वहां विधायक हैं उनसे आप पूछेंगे, आपके जो कार्यकर्ता है जिला अध्यक्ष है उनसे आप पूछेंगे, आपके जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे आप पूछेंगे, सबकी सब डिमांड करते रहे कि अखिलेश यादव जी की एक मीटिंग हो जाए, लेकिन वो नहीं गए, सबसे मस नहीं हुए। क्यों नहीं गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको हार का डर सता रहा है, ठीक है। कि हार जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो गई कि अखिलेश यादव जी स्वयं आए मोर्चा संभाला तब भी नहीं पाए। एक एक जो है सेफ जोन में है, एक अपने आप को बचाए हुए है कि हम जाते हैं जाते हम नहीं गए इसलिए हार गए। दूसरी बात जो आप रामपुर की सीट की बात कर रहे हैं, अभी मैं कल कई सारे टीवी चैनलों पे मैं न्यूज देख रहा था और कई सारे मुस्लिम नेता एक साथ आकर के और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे किए, और वो लोग उनमें से तमाम सारे पीड़ित लोग हैं जो कभी आजम खान साहब के साथ हुआ करते थे। ठीक है प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है नितिन जी, ठीक है ठीक है। नितिन जी हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था जैन साहब एक चीज और थी, इमरान लतीफ अभी जब बुलडोजर को लेकर के कुछ बोल रहे थे तब भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इमरान जी का और संतोष का, देखिए ऐसा है कि अगर इसमें से किसी भी पैनलिस्ट ने एक बार ये नहीं कहा कि जो जावेद पंप है जिनके वहां कार्रवाई हुई है, उन्होंने कौन से कानून का पालन करते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि हजारों लोग सड़कों पे आ गए जुम्मे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप चाहते थे सरकार मूक दर्शक बनी रहे और ये लोग जो है गुंडागर्दी करते रहे, बम चलाते रहे, कट्टा चलाते रहे और आगे चल के लोगों के घर में घुस जाए, हत्याएं कर दे, और उनमें आप और हम भी हो सकते हैं जिनकी हत्या कर देते। अगर सरकार कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों पे, तो आपको अगर उसकी तारीफ नहीं करना है ना करिए, लेकिन कम से कम ऐसे कुकृत्यों की तो आलोचना करिए। ठीक है जैन साहब, इमरान लतीफ कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनकी सुन लो फिर आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। हाँ जैन साहब जवाब दीजिएगा, इमरान लतीफ कुछ बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जैन साहब, इमरान लतीफ कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए फिर उसके बाद आ रहा हूँ बस। हाँ देखिए, जिस जो भी दंगा कर रहा हो, जो भी दंगाई है, जो भी अपराधी है, जो भी हिंसा करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई संविधान सम्मत तरीके से होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से होनी चाहिए, बाबा योगी आदित्यनाथ की मंशा के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, आपके राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। आप दरअसल जो बुलडोजर चला रहे हैं ना जैन साहब, या किसी मुसलमान या हिंदू के घर पे नहीं चला रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं बाबा साहब के संविधान के ऊपर, आप देश के जो देश का
कानून है उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, आप देश के ताने बाने के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, आप आपसी सद्भाव के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, आप आपसी भाईचारे के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल आप अपनी राजनीतिक मंशा को, अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। ना तो आपको शांति से मतलब है, अरे शांति से, सद्भाव से, भाईचारे से, एकता से, अखंडता से आपको क्या मतलब है? आप बांटना जानते हैं, आप नफरत फैलाना जानते हैं, आप लड़ाना जानते हैं, आप दंगा करना जानते हैं, आप हिंसा करना जानते हैं। अरे विकास की राजनीति से आपका क्या लेना देना, मोहब्बत की सियासत से आपका क्या लेना देना? आपका पूरा इतिहास भरा पड़ा है नफरत फैलाकर आप राजनीति करेंगे, लड़ाकर आप राजनीति करेंगे, बांटकर आप राजनीति करेंगे, संविधान की आत्मा को तार तार करके आप राजनीति करेंगे, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या करके आप राजनीति करेंगे। आप सीधी साफ सुथरी राजनीति नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काम किया आपके हिसाब से। हाँ जैन साहब, क्या हिसाब से 2-4 हजार बिल्कुल अच्छा, जिसने भी दंगा किया उसने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आप दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर दंगाइयों पर कार्रवाई करते तो कपिल मिश्रा पर कार्रवाई करते, अगर आप दंगाइयों पर कार्रवाई करते तो गिरिराज सिंह पर कब का कार्रवाई कर चुके होते, अगर आप नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करते तो डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर भी कार्रवाई कर चुके होते। आप किसी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जो लोग नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग देश को जलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग लोगों को उकसाने का काम करते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए कार्रवाई करते हैं। आप एक समाज को लेकर कुंठित हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल साफ बात है, स्पष्ट बात है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करते हैं। यही जनता आपको कितना धिक्कार नहीं पता है आपको, जो दंगाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं आप। दंगाइयों के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, दंगाइयों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नीचे से ऊपर तो उठाकर देख लीजिए, दंगा करने वाले भाजपा में मिलेंगे, बलवा करने वाले भाजपा में मिलेंगे, हिंसा करने वाले भाजपा में मिलेंगे। कितने दंगाई बताए आपको, कितने दंगाई बताए आपको? दंगाइयों को सम्मानित करने का काम आप करते हो, बलात्कारियों को सम्मानित करने का काम करते हो, बलात्कारियों के, ठीक है, हो गया भाई, बात आ गई, यात्राएं निकालने का काम आप करते हो, ठीक है, बात आ गई। हाँ जैन साहब, इन पे सब पे बुलडोजर चलेगा, कितने दंगाई है, ठीक है, कोई बचेगा नहीं, ठीक है, संतोष जी के पास चलेंगे, कब्जा कर रखी है उस पे बुलडोजर चलेगा, ठीक है, ठीक है। और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, आप जाइए रिपोर्ट हाई कोर्ट, जैन साहब प्लीज, ठीक है, जैन साहब प्लीज, फिर से भरवा दिया, ठीक, जैन साहब, अरे हो गया भाई, जैन साहब हो गया, आ गई बात, आ गई, मैं आगे चलूं। नितिन जी कुछ कह रहे थे कि आप बुलडोजर को लेकर के, मैं भाई यही कह रहा हूँ कि जैन साहब किसी को बोलने कहाँ देंगे, यही भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, ये दूसरे सब के अधिकारों पर भी अतिक्रमण करेंगे, बार बार दंगाइयों को उनकी पार्टी बताने लगेंगे, सारे विपक्ष को दंगाई, मतलब लोगों का सिर कलम कर दिया जाए दंगाई करके, उसमें आप खुश हैं? अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, कैसी बात कर रहे हैं? सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, पूरे पूरी दंगाइयों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, नफरत फैलाने वालों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कितने अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे जैन साहब? बुलडोजर पहुंचा नूपुर शर्मा के घर पे, बताइए, अरे महाराज नूपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर पहुंचा, आप मुजफ्फरनगर दंगे का इंतजार कर रहे हैं तो नहीं होगा दंगा। अरे आप बलात्कारियों के सम्मान में यात्राएं निकालने का काम करते हैं, आप दंगाइयों को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करते हैं, नफरत फैलाने वाले नेताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, और यहाँ पर आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं आप जैन साहब पाएंगे, आप जैसे लोग 1,000 लोग उतर आवे उनको बचाने के लिए दंगाइयों को ना, अरे दंगाइयों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है भाई, ठीक है, दंगा करने वालों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अपराध करने वालों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हिंसा करने वालों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप दंगाइयों को बचाने का काम करते हैं, आप बलवाइयों को बचाने का काम करते हैं, आप बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं, आप अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। ठीक है नितिन जी, ठीक है, ठीक है, प्लीज, कुलदीप सिंह का बाकी महाराज तक का इतिहास भरा पड़ा, मंदसौर का जिला अध्यक्ष, एक बार भी आपने आलोचना नहीं की, जिस तरीके की आप बार भी दंगाइयों की आलोचना नहीं की, दंगा क्यों किया, वायरल हो रही है, आप कानून सिखा रहे हैं उनको, कानून नहीं सिखा रहे जो दंगा कर रहे हैं, अरे संगीत सोम के हमें बुलडोजर लेकर पहुंच जाइए, एक तरफ सरकार कर रही है, लोगों को
ठीक है प्लीज, ठीक है मैं आगे चलूं। ठीक है, संतोष यादव जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, जैन साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं जिन्होंने दंगा किया उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। नितिन जी, बात यह है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उनको समझना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, उनका ये काम यह है कि वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं कि लोगों का ध्यान बटा रहे। ये दवाई से, पढ़ाई से, सिंचाई से, महंगाई से ध्यान बटाने के लिए कुछ इस तरीके के कृत्य करते हैं कि लोग जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे पे कोई भी चर्चा न करे, इसलिए ये पत्थरबाजों को सह देते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं ताकि लोग मेन मुद्दे पे ना आए। अब पत्थरबाजों, मेरा एक मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा जैन साहब, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात, बोलिए। मेरा यह कहना है कि सरकार हमेशा धमक से चलती है, बुलडोजर से नहीं चलती है। आप बुलडोजर लेकर रोड पे घूम रहे हैं तो कोई आदमी दब थोड़ा जाएगा। आपकी सरकार में इतनी धमक होनी चाहिए कि पत्थरबाज रोड पे ना आए, माफिया गुंडा आप जो है आप खाली चिल्लाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ तक पत्थरबाजी हो रही है, आपकी दोनों सरकारें क्या कर रही हैं? गुलाब के फूल से डरेंगे, गुलाब के फूल ने, मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। आपकी सरकार जो है पत्थरबाजों पे कुछ भी नहीं कर पा रही है, केवल शरीफ आदमियों के घर पे बुलडोजर चला करके उनका नुकसान पहुंचा रही है। जो पत्थरबाज हैं, जो माफिया हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। पत्थरबाज इतनी पत्थरबाजी हो गई, ये उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी क्या करती रही, किस तरीके से वो रोड पे आ गए। आप दंगा रोकने में नाकाम हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर रोक नहीं सकते हैं, आपका पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है। आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बवाल हो रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? तो मेरा तो कहना है कि आप जानबूझ करके इस तरीके के कृत्य करते हैं ताकि लोग महंगाई पे सवाल न उठाएं, ताकि लोग पढ़ाई पे सवाल न उठाएं, सिंचाई पे सवाल न उठाएं, किसानों पे सवाल न उठाएं, बेरोजगारी पे सवाल न उठाएं। ये जनता को आपने लाइन में खड़ा कर दिया, 5 किलो गेहूं के लिए मजबूर कर दिया, वो भी आपने चावल बंद कर दिया। तो आप इस तरीके के कृत्य करते हैं ताकि लोग जो है मूल मुद्दों से भटक करके पत्थरबाजी पे बहस करें। पत्थरबाजी और बुलडोजर को छोड़ के बाकी आपके पास कोई काम नहीं है। आप सीधा जनता के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, सिंचाई पे बात नहीं करना चाहते, किसानों पे बात नहीं करना चाहते, सिर्फ आप बुलडोजर और पत्थरबाजी के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आप इस तरीके के कृत्य करते हैं ताकि चर्चा टीवी पे हो, अखबार में हो, समाज में हो, तो पत्थरबाजों की हो और बुलडोजर बाजों की हो, बाकी गरीब जनता की कोई चर्चा न करे, छात्रों की कोई चर्चा न करे, नौजवानों की कोई चर्चा न करे। आप इस तरीके के कृत्य करते हैं, ये आपका कृत्य है। आपको समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत देर हो जाएगी जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोग समझेंगे, तब तक इस देश में पत्थरबाजी होती रहेगी ताकि दूसरी कोई चर्चा न हो। तो इस विषय पे आप सोचिए, आप सरकार में हैं, आप क्यों पत्थरबाजी नहीं रोकते? हम पत्थरबाजी करवाते हैं। अरे आप रोकिए भाई, पत्थरबाजी रोकिए, बुलडोजर रोकिए। आपकी नीति होना चाहिए कि लोग, अरे हमारा काम, हम तो आपके सामने बैठे हैं, हम तो उसकी भर्ती करते हैं पत्थरबाजों की। हम तो कहते हैं कि कानून अपना काम करे, अगर कोई आदमी आगजनी करता है, पत्थरबाजी करता है, आप उसकी गिरफ्तारी कर दीजिए। सभी लोग विरोध करते हैं, लेकिन आप जो मकान गिरा रहे हैं लोगों का बुलडोजर से, उनकी क्या गलती है? उस मकान की क्या गलती है? उस घर में रहने वाले लोगों की क्या गलती है? मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हूँ, पूरा विपक्ष तुम्हारे साथ में खड़ा है, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर संभालने में सक्षम नहीं है। आपकी सरकार में धमक नहीं है, बुलडोजरबाज और पत्थरबाज आपको दबते नहीं है। आपकी सरकार को बिल्कुल दबते नहीं है, वो पत्थरबाजी वो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा ठीक है जैसा मैं कह रहा हूँ, इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्या कराते हैं भाई। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष जो कोचिंग संचालक था, जिसको उकसाने का आरोपी बनाया गया, मैं पूछना चाहता हूँ जैन साहब से, उसके घर में बुलडोजर लेकर के कब जाएंगे? ये तब तक सरकार में धमक नहीं आएगी, तब तक सरकार में लोगों का डर नहीं होगा, जब तक बदले की भावना से और चेहरा देखकर काम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अगर संरक्षण में प्राप्त व्यक्ति होगा तो कितना भी गंभीर अपराध कर दे, उसकी तरफ योगी सरकार नजर उठा करके नहीं देखेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं है, उससे धोखे से भी अगर सड़क से गुजर जाए तो उसके ऊपर जुल्म दिए जाएंगे। ये मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। यही कारण है कि लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं कायम हो रहा है। ज्यादातर उकसाने का और आपत्ति बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और दूसरे समाज को, दूसरे समुदाय को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लगातार तमाम ऐसे नाम आए हैं सादे प्रकाश में, जिन्हें
पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने दंगा भड़काने का, पत्थरबाजी करवाने का काम किया है। ठीक है ठीक है, जैन साहब है, जैन साहब जवाब देंगे, जैन साहब जवाब देंगे। ठीक है इमरान, क्या नहीं पाया भाई, मैं आ रहा हूँ, जैन साहब मैं आ रहा हूँ, इमरान कुछ बोलना है उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है इमरान, देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई, थोड़ा जल्दी से, विजय जी आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल बिल्कुल संविधान के विपरीत है। दरअसल बुलडोजर जो चलता है ना किसी हिंदू के घर पे चलता है, ना मुसलमान के घर पर चलता है, ना अपराधी के घर पे चल रहा है। बुलडोजर अगर चलाया जा रहा है तो देश के संविधान के ऊपर चलाया जा रहा है, और ये एक आपराधिक चरित्र को दर्शाने वाली कार्रवाई है कि आप संविधान को किनारे कर देंगे, अदालतों को किनारे कर देंगे, आप कानून को किनारे कर देंगे और आप ही जज हो जाएंगे, आप ही फैसला सुना देंगे, आप ही अदालत हो जाएंगे। तो एक आपराधिक चरित्र वाली कार्रवाई है, क्योंकि आपराधिक चरित्र वाली सरकार है तो उससे ज्यादा की अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इनका आप देखिए ये कितने कुलदीप सिंह सेंगर को याद कर लीजिए, ऐसे ही डिबेट्स में हम लोग बैठते थे, ऐसे ही जैन साहब हमारे सामने बैठते थे, कुलदीप सिंह सेंगर के लिए रो रो के ये अपना रुमाल गीला कर देते थे, भूल गए आज। कुलदीप सिंह सेंगर के लिए ये तो कहिए कि इस देश में संविधान जिंदा है, इस देश में अदालतें जिंदा हैं कि उसको सजा मिल गई, वरना जैन साहब की चली होती तो आज देखिए कैसी जो है कैसी हंसी हंस रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के लिए रोते रोते इनका रुमाल गीला हो जाता था, ऐसे ही डिबेट हमारे साथ बैठते थे, कभी ये तर्क देते थे, कभी वो तर्क देते थे, खाली कुतर्क करने का काम करते थे, चिन्मयानंद के लिए ऐसे ही रोते थे उनको सही ठहराने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों के सम्मान में यात्रा निकालने का काम करते हैं, जो दंगाइयों को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं, जो नफरत वाले बयान देने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और खुद पूछिए, इतने दिन से बुलडोजर चला रहे हैं, 6-5 साल पूरा बुलडोजर चलाया, फिर बुलडोजर चला रहे हैं, कार्रवाइयां क्यों नहीं रुक रही? ठीक ठीक, जैन साहब जवाब दीजिए जल्दी से, मुसलमानी भाषा बोल रहे हैं आप, मुसलमान है इसलिए दंगाइयों के साथ दंगाई भाषा बोल रहे हैं आप। ये गलत चीज है, ये गलत बात है, ये नहीं, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुसलमान हिंदू बाप आपके लिए राजनीति होती होगी, संविधान संविधान सबसे ऊपर हमारे लिए है, ना हिंदू मेरे लिए ऊपर है, ना इस्लाम मेरे लिए ऊपर, ना मुसलमान ऊपर है, संविधान सर्वोपरि हमारे लिए, आपके लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, आपके लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, यही आपका असली चरित्र है। पूरा देश देख रहा आपका असली चरित्र क्या है, किस तरीके से नफरत फैलाने का काम करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, नंगे हो गए आज आप सबके सामने, जैन साहब नंगे हो गए आज आप, आज आप नंगे हो गए सबके सामने इस डिबेट में, आप नंगे हो गए, किस तरीके से नफरत फैलाते हैं, किस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपके दिमाग में नफरत भरी है, किस तरीके से आप लोगों को बांटने का काम करते हैं, कितनी नफरत आपके दिल में भरी हुई है इस डिबेट में पता चल गया। नंगे हो गए सबके सामने आप, कपड़े उतर गए आज आपके, नफरत का चोला ओढ़ के घूमते उतर गए आपके सामने, यही चरित्र है। बुलडोजर दरअसल इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपके दिलों में नफरत है, आप नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, आप बांटने की हमारे लिए हिंदुस्तान सर्वोपरि है, बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है, बाकी सारी चीजें बाद में है, इमरान की बात में हूँ, पहले देश का नागरिक हूँ, ये बात अच्छे से समझिएगा, बाबा साहब के संविधान का मानने वाला हूँ, सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति आप लोग, अरे आपका चरित्र सामने आ गया, कैसी बात कर रहे हैं जैन साहब, आप कैसी बात कर रहे हो, मुसलमानी और मुसलमान पता नहीं किस तरह की बात यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है प्लीज, ठीक है समय कम है, समय कम है, समय कम है प्लीज, अपराधी के ऊपर काम जाति बिना धर्म को देखे हुए हो रही है, लेकिन आप लगातार बचा रहे हैं। ठीक है जैन साहब हो गया प्लीज, ठीक है विजय जी के पास चलेंगे, ठीक है जैन साहब, जैन साहब प्लीज, ठीक है जैन साहब, ठीक है विजय जी, आपने सबकी बातें सुनी, तर्क कुतर्क सब कुछ सुना, क्या कहना है आपका? लेकिन मेरा ये कहना है कि संविधान सबसे बराबर से लागू होता है, चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले लोग हो उनको भी मानना चाहिए, और ये उन लोगों को भी मानना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो भी सरकारें हैं, जो भी सरकारें आज कार्रवाई कर रही हैं, उनको जो नजर आता है वो यही है कि सब एक लीगल प्रोसेस के तहत हम इलेक्ट करते हैं सरकार को, एक
संविधान की शपथ लेकर के कोई मुख्यमंत्री बनता है और मंत्री बनते हैं तो ये सरकार संविधान के इतने तो चलती ही नहीं है और ना लोग चल पाएंगे ना हमारी व्यवस्था चल पाएगी। तो हम लोग जो सारी बातें कर रहे थे संविधान की, वो संविधान के नाम पर सबको दुआई देने की जरूरत नहीं, हम सबको संविधान मानने की आवश्यकता है, चाहे वो पार्टी हो, व्यक्ति हो या समाज हो या कोई समूह हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम अगर अपने देश के संविधान को सम्मान नहीं देंगे तो क्या हम किसी और देश के संविधान की को सम्मान देने जाएंगे या उसके नियम कानून को अपने ऊपर लागू करेंगे? अरे भाई हमारा ही है सब कुछ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बुलडोजर जो है वो बुलडोजर किस नियम के तहत चलता है वो तो मैनेज जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से मैनेज करके चलाती है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, कहां से अचानक चीजें निकल आती हैं भाई, फाइल में आज की डेट में 2 दिन पहले नोटिस दे आप पुराने केस बना करके रखा हुआ हो तो सरकार अपने हिसाब से पुट अप करेगी और मुख्यमंत्री की मंशा के खिलाफ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का बूता नहीं है, चाहे वो किसी भी एक्ट के तहत काम कर रहा हो कि वो जा करके काम करे। तो इस चीज का तो ये कहना बेमानी होगा कि साहब जो है वो अपनी मर्जी से प्रशासन शासन चलेगा, आप जाइए कोर्ट में चैलेंज करिए, वही आपके पास रास्ता है और कोर्ट में ही चैलेंज होंगी चीजें। कल आप जो भी नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई मांग सकते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार जो है वो इसके लिए लाइबल है। आपको याद होगा पिछले दंगों के खिलाफ जो वसूली लखनऊ में इवन हुई थी उसके खिलाफ कोर्ट्स ने क्या ऑर्डर किए, उस सरकार को क्या करना पड़ा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं दूसरे पक्ष से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि उनको भी सड़क पर उतारने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी संविधान और नियम कानून के तहत अपनी बात को रखने का अधिकार है और वो जा सकते हैं। जैसे कोर्ट में बाद में गए हैं वो पहले भी पत्थरबाजी के पहले वो सूचित थे और जो 400 लोगों के खिलाफ जो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी वो भी कार्रवाई शायद नहीं करनी पड़ी। तो ये सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान सर्वोपरि है, निश्चित तौर पर हम उसी के तहत अपने देश को चलाते हैं और समाज को भी चलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके बाद किसी धर्म से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते संविधान उसके लिए सबसे अहम है। इसी संविधान में अपना विरोध जताना भी लिखा है, विरोध जताने के तरीके भी लिखे हैं, लेकिन विरोध अगर पत्थर फेंक कर आगजनी करके जताया जा रहा है तो विरोध सही नहीं है। और अगर उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है तो ये भी कहीं ना कहीं कानून के दायरे में ही होनी चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होनी चाहिए, ऐसा लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल आगे भी ये कार्रवाइयाँ इसी तरह से चलती रहेंगी, सरकार की तरफ से ये मंशा क्लियर कर दी गई है, अब देखना ये होगा कि विपक्षी दल इस पर किस तरह से अपना रुख रखते हैं। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।